इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव इंडिया टीवी पर आप देखिए पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ये बताइए कि आप खेती में वो कौन सी चीजें करते हैं जो कुछ नयापन है और देश के लोगों को जानना अच्छा लगेगा। नमस्ते जी। नमस्ते। पुणे में मावल तालुके में रहता है। मैं खेती में चावल, चना, बटर, सोयाबीन, मूंगफलिया और सब्जी में बोलो तो सब हर सब्जी में लेता है। भिंडी, मिर्ची, वांगी, गवार, ये सब सब्जी लेता है मैं। और इसमें है ना, मैं सबसे ज्यादा अपना जैविक खाद्य यूज करता है। नोबेल एक्सचेंज तलेगांव में प्लांट है गैस का, बायोगैस का। उधर से मेरे से सैंपल में प्रयोग करने में वो कंपनी मेरे को ये देता है। मैंने अभी बोलो तो 2-3 साल वही यूज करा है। अच्छा, आपके इलाके में इथेनॉल पर भी काफी प्रयोग हुए हैं और इथेनॉल और दूसरे बायोफ्यूल का लाभ भी वहां पर किसानों को मिलने लगा है। आप उसके साथ कैसे जुड़े हैं, आपको क्या लाभ हो रहा है? उसके बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं, पर मैं खाद्य के बारे में बता सकता है। मैं कई शेतकरी है जिसके लिए मैं वही जैविक खाद्य लेके यूज करता है। पूरी तरह जैविक करते हैं? हाँ, पूरा जैविक मैं। कैसे, खाद तैयार करते हैं या बाहर से लाते हैं? नहीं, पहला कहता था तो अपने इतना ये नहीं मिलता था ना, अभी इधर मिल रहा है तलेगांव में, उधर से मैं लेके जाता है। अच्छा, और उसके कारण खर्च में कुछ कमी आई है क्या? खर्च में कम आई है साहब। कितना फर्क पड़ता होगा? कितना फर्क पड़ता होगा खर्चा बोलो तो? अपना ट्रैक्टर में जितना डीजल है ना, डीजल का खर्चा देने का मैं दोस्त मंडल की वजह से लेके जाता है। स्लरी है और जैविक खाद्य है। अच्छा, अब आप जैविक उत्पाद करते हैं तो बाजार में भी लोगों को पता है कि भाई यहाँ है जो ऑर्गेनिक फूड मिलता है, सारी चीजें ऑर्गेनिक मिलती है, तो इस तरफ लोगों का आकर्षण कुछ ध्यान में आ रहा है? हाँ सब, मेरा प्रोजेक्ट देख के ना सब लोग मेरे को पूछ रहा है किधर मिल रहा है, तो मैं बता के दे देता है लोगों को। क्या पहले जो लोग चीजें मांगते थे और अब जो मांग रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई जैविक है तो हम पहले लेंगे, ज्यादा पैसे देंगे, ऐसा अनुभव आ रहा है? नहीं नहीं, वो अनुभव नहीं आया ना। नहीं आया। अच्छा, अगल बगल के किसान ये सीखने के लिए आते हैं आपके पास कि भाई ये जैविक में तुम कैसे करते हो, चलो हम भी करते हैं, हमको जरा सिखाओ, कोई देखने आते हैं आपके खेत को, ऐसा होता है क्या? ओके, होता है सब। होता है। ओ तो आप परिवार में सब लोग मिलके खेती करते हैं? हाँ, सब मिलके खेती करते हैं। देखिए, भारत में गांव में हमारी माताएं बहने, उनका खेती में पशुपालन में बहुत योगदान होता है। और मुझे खुशी हुई आज आप अपने परिवार के महिला सदस्यों को भी साथ में रखा है, तो मैं पहले तो इन दोनों बहनों को प्रणाम करूंगा, उनको बधाई दूंगा कि वो खेती को आगे बढ़ाने में काम करते हैं। चलिए, मुझे अच्छा लगा। कोरोना में संभालिए भाई सब लोग परिवार में। आपको भी धन्यवाद साहब, आप भी संभालो क्या बरायत्मक। ओके सर। अब हम हरदोई उत्तर प्रदेश चल रहे हैं, जहां एथेनॉल प्लांट में श्री अरविंद कुमार जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करें। अरविंद जी नमस्ते। मैं अरविंद कुमार पुरवा देवरिया, जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूं सर। मेरे पास 3 एकड़ जमीन है, उसमें मैं खेती करता हूँ गन्ना, सरसों, गेहूं। तो उसमें मैंने गन्ना बोया है। पहले गन्ना सर बोते थे हम देसी विधि से, आपकी देसी जब करते थे सर तब उसको हमने उसमें बोया, पैदावार होती थी 700-800 प्रति हेक्टेयर कुंटल। अब की मैंने बोया है गन्ना जो, वो सर मैंने वैज्ञानिक विधि से, उसमें मुझे गन्ना की उपज प्राप्त हुई है 2631 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितने साल से गन्ने का कर रहे हैं अरविंद जी? गन्ने सर कर रहे हैं करीब हो गया 7-8 साल हो गया हमको लगातार करते। अच्छा, कभी मन नहीं करता है कि गन्ने से बाहर निकल के कुछ और करें? नहीं सर, करते हैं
गेहूं भी करते हैं, आलू भी होता है, सरसों भी करते हैं, सब सर खेती करते हैं। इस बार सरसों का अनुभव कैसा है? सरसों सर बहुत अच्छी हुई है। दो और आप जैसे नौजवान और वो भी नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, मेरी आपको आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आपको मालूम है सोलर पंप का, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पानी के स्रोत कई इलाकों में बहुत ज्यादा है, तो डीजल वीजल उपयोग करने की जरूरत नहीं, सोलर पंप से ही आपका काम चल जाएगा, तो वो भी एक पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा होगी। बंजर जमीन में भी हम पानी पहुंचा करके बिना खर्च अच्छी व्यवस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। अरविंद जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। अब हम चल रहे हैं खेड़ा गुजरात। यहाँ एक कंप्रेस बायोगैस तथा बायो मैन्योर प्लांट है जो गोबर तथा अन्य वेस्ट पर आधारित है। यहाँ किसान भाई श्री अमित कुमार प्रजापति जी मौजूद हैं, जो अब माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। मजामा भैला? मजामा साहब, मजामा भगवान। हाँ, बताइए, थोड़ा हिंदी में बोलोगे आज? हाँ सर, मेरा नाम अमित कुमार कनुबे प्रजापति है। मैं आनंद गुजरात खेड़ा रहता हूँ और मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, और मेरा जो भी गोबर और वगैरह होता है वो मैं इसी प्लांट में देता हूँ। इसकी वजह से मेरा स्टोरेज और वो कम हो गया है और उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो आपके उसके खूब खूब धन्यवाद है सर। कितने पशु हैं प्रजापति जी आपके पास? 20 से 25 है सर। 20-25 पशु है, तो सारा गोबर आप ये बड़े प्लांट में दे देते हैं? जी सर। तो उसमें से क्या कमाई होती है आपको? सर दो बेनिफिट होते हैं उससे। जो गोबर हम स्टोरेज करते थे पहले, वो करने की जरूरत नहीं होती है, वो एरिया पूरा क्लीन रहता है और क्लीनिंग की भी परेशानी नहीं रहती है। और दूसरी, ये तुरंत इनकम हो जाती है और फर्टिलाइजर के रूप में हमें मिल जाता है वापस। अच्छा, फर्टिलाइजर के रूप में जितना आप जमा करते हैं उतना वापस मिलता है? जी सर। और ऊपर से पैसे भी मिलते हैं? जी सर, आमदनी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई कितनी होती की वजह से। अगर सीक्रेट नहीं है तो बताइए मुझे कितनी होती है। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, 20-25% इनकम ज्यादा हो गई है। अच्छा, साल के मुकाबले। बड़े बड़े चतुराई से जवाब देते हैं आप। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ये स्वच्छ ईंधन से जुड़ी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका आपको लाभ मिल रहा है, जैसे आपने बताया एलपीजी बायोगैस, इनसे भी आपको फायदा हो रहा है, तो ये आपको ही मिल रहा है कि जो लोगों के पास पशु नहीं है और वो भी इस एलपीजी वगैरह का फायदा मिलता है उनको? हाँ सर, मिल रहा है, क्योंकि जिनके पास पशुपालन नहीं है पर उनको खाद तो मिल ही सकता है यहाँ से। हाँ। और गोवर्धन नाथ के जरिए जो उत्पन्न खाद है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले मैं बनाना की खेती करता था तो 15-20 दिन में लीफ नहीं निकलती थी, उसके पत्ते नहीं आते थे, मगर इसका उपयोग करने के जरिए 15 दिन में लीफ आ जाती है, पत्ते आ जाते हैं। और पानी का संग्रह जमीन में बहुत ज्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसकी वजह से हमारा उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी सभी तरीके से की खेती करते हैं? नहीं सर, बहुत ज्यादा करते हैं, अनाज है, साग भाजी है, वो सब करते हैं, मगर बनाना ज्यादातर करते हैं। तो आपकी साग भाजी आनंद में बिकती है? हाँ सर, आनंद में ही बिकते, नड़ियाद आनंद। और केले? केले भी आनंद और नड़ियाद में बिक जाते हैं, और जो भी वेस्टेज बचता है वो हम यहाँ प्लांट में दे देते हैं, लीफ है वगैरह है जो भी बाद में रहता है वो। अच्छा, वो गैस बनाने के लिए दे देते हैं? वो गैस बना ले और उनके जरिए हमको खाद मिलता है। खाद मिल जाता है आपको? तो अभी आपको ये केमिकल फर्टिलाइजर का कोई खर्चा नहीं होता है? नहीं सर, नहीं होता है। तो कितने किसान होंगे जो इसका फायदा उठा रहे हैं? अभी तो लोकल ज्यादा उठा रहे हैं। अच्छा, जो पीछे इतना बड़ा प्लांट मुझे दिख रहा है प्रजापति जी, ये जी सर, बनने के बाद
आपके और इस इलाके के जीवन में क्या फर्क आया? अरे सर बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। पहले वो ढेर रहा होता था कचरे का, वो बहुत कम हो गया है। हमारे वहां पे भी जो ढेर रखना पड़ता था, जैसे मैंने बनाना प्लांट किया है, बनाना काटने के बाद जो भी वेस्ट रहता था वो हम कहाँ डालें, वो भी कंफ्यूजन रहता था। इसके जरिए ये प्लांट के जरिए हम सब कुछ यहाँ भेज देते हैं और ये बायोगैस निकाल के हमको खाद के रूप में वापस देते हैं। सर जी देखिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा काम किया था। जब मैं वहाँ आपके यहाँ काम करता था तो ये जो केला उतरने के बाद ये जो इसका वेस्ट होता है उसको अगर छोटे 6-6 इंच के टुकड़े करके उसको जमीन में अगर गाड़ देते हैं तो 90 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती, इतना पानी उसमें होता है। 90 दिन तक पानी दूसरी फसल के लिए काम आ जाता है। वो ऐसे ही जमीन में वो 6-6 इंच का टुकड़ा करके गाड़ दिया, कभी प्रयोग करिए, बहुत फायदा होता है। और फिर वो भी फर्टिलाइजर में भी चला जाता है, तो आपको एक अतिरिक्त फायदा हो सकता है। देखिए भाई, आपका तो ये प्लांट इतना बड़ा है और इतनी बड़ी मात्रा में, कुल कितने पशु का ये गोबर इसमें इकट्ठा होता होगा डेली? सर इसमें डेली हम 40 से 50 मेट्रिक टन गोबर डिस्पोज करते हैं। कितने गांवों से इकट्ठा करते हैं? करीबन 20 से 25 गांव के आसपास। 25 गांव से? और कितने पशु का होता होगा? खंबा तक करीबन 1500-2000 पशु। 2000 पशु का गोबर, वहाँ सफाई भी हो जाती है और आपके यहाँ आ जाता है। और आपका गैस कहाँ कहाँ बिकता है? सर अभी हमने सतत प्रोग्राम के अनुसार हमने अपना गैस सीजीडी पाइपलाइन सिटी गैस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अच्छा, सिटी गैस में बिकता है आपका गैस? यस सर, यस सर। तो वो जो कमाई होती है वो आपकी कंपनी की होती है, उसमें भी किसानों को कुछ मिलता है? वो कमाई सर कंपनी की होती है। कंपनी की होती है। और लेकिन जो गोबर आता है उसके बदले में उतना फर्टिलाइजर आप दे देते हैं वापस? यस सर। और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत आता है सर, आजू बाजू की जो लोकल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि चिकोरी वेस्ट है, पोटेटो वेस्ट है, वो सब वेस्ट भी हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं। टोटल 240 मेट्रिक टन पर डे हम यहाँ पे वेस्ट डिस्पोज करते हैं और उससे 7200 किलो गैस पर डे हम उत्पादन करते हैं। अच्छा। और 50 से 60 मेट्रिक टन जैविक खाद। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और अमित जी से भी बात करने का मौका मिल गया। और ये आप क्लीन एनर्जी का जो प्रति इतनी जागरूकता पैदा की है और बड़ा प्लांट कितना बड़ा फायदा करता है, आज जब देशवासी देखेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि जरूर भविष्य में लोग इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आएंगे और सब लोग चाहेंगे कि भाई उनके इलाके में भी ऐसे प्रोजेक्ट बने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब वह समय आ गया है जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आदर सहित निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो रिमोट दबाकर पुणे स्थित 3 पेट्रोल पंपों पर E100 ईंधन उपलब्ध कराए जाने का शुभारंभ तथा रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-2025 पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का अनावरण करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वो अपने प्रेरक उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान नितिन गडकरी जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, गुजरात के खेड़ा के सांसद देव सिंह जी चौहान जी, यूपी के हरदोई के सांसद भाई जयप्रकाश रावत जी, पुणे के मेयर मुरलीधर माहौल जी, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर बहन उषा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित
अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे किसान साथी, जब मैं उनसे बात कर रहा था तो कैसे बायोफ्यूल से जुड़ी व्यवस्थाओं को वे सहज रूप से अपना रहे हैं और कितनी बढ़िया तरीके से वो अपनी बात बता रहे थे, उसमें कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था। स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, देश में जो इतना बड़ा अभियान चल रहा है उसका बहुत बड़ा लाभ देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मिलना स्वाभाविक है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इथेनॉल सेक्टर के विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप आज अभी मुझे जारी करने का सौभाग्य मिला है। देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी E100 पायलट प्रोजेक्ट भी पुणे में लॉन्च किया गया है। मैं पुणे वासियों को बधाई देता हूं, पुणे के मेयर को बधाई देता हूं। हम अपने तय लक्ष्यों को समय पर हासिल कर पाए इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अगर आप गौर करें तो आज से 7-8 साल पहले देश में इथेनॉल की चर्चा बहुत कम, रेयरली कभी होती थी, कोई उसका जिक्र ही नहीं करता था, और अगर जिक्र कर भी दिया तो जैसे एक रूटीन कोई बात होती है, ऐसे ही हो जाता था। लेकिन अब इथेनॉल 21वीं सदी के भारत की बड़ी प्राथमिकताओं से जुड़ गया है। इथेनॉल पर फोकस से पर्यावरण के साथ ही एक बेहतर और बेहतर प्रभाव किसानों के जीवन पर भी पड़ रहा है। आज हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब लक्ष्य तय सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है, लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है, और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है, 5 साल एडवांस। साथियों, इतने बड़े फैसले का हौसला बीते 7 सालों में देश ने जो लक्ष्य प्राप्त किए हैं, देश ने जो प्रयास किए हैं और उसमें से जो सफलता मिली है, उसी के कारण ये आज निर्णय करने की हिम्मत आई है। 2014 तक भारत में एवरेज औसतन सिर्फ 1.5% इथेनॉल की ही ब्लेंडिंग हो जा पाती थी, आज ये करीब करीब 8.5% तक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में जहां देश में 38 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदा जाता था, वहीं अब इसका अनुमान 320 करोड़ लीटर से ज्यादा का है।
यानी करीब करीब 8 गुना ज्यादा इथेनॉल खरीदा गया है। बीते साल ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा है। इसका एक बड़ा हिस्सा, जो 21,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए, उसका बड़ा हिस्सा हमारे देश के किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से हमारे गन्ना किसानों को इससे बहुत लाभ हुआ है। वर्ष 2025 तक जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग होने लगेगी, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किसानों को कितनी बड़ी मात्रा में ऑयल कंपनियों से सीधे पैसे मिलेंगे। इससे चीनी से अधिक उत्पादन से जुड़ी जो भी चुनौतियां हैं, क्योंकि कभी कभी चीनी ज्यादा पैदावार हो जाती है तो दुनिया में भी कोई खरीदार नहीं होता है, देश में भी दाम गिर जाते हैं और बहुत बड़ी चुनौती पैदा रखना कहां, वो भी संकट हो जाता है। ऐसी सारी चुनौतियों को कम करने में, और इसका सीधा लाभ गन्ना किसान की सुरक्षा से जुड़ जाता है, ये बहुत लाभ होने वाला है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक सोच, आधुनिक नीतियों से ही ऊर्जा मिलेगी। इसी सोच के साथ हमारी सरकार हर क्षेत्र में निरंतर नीतिगत निर्णय ले रही है। देश में आज इथेनॉल के उत्पादन और खरीद के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अभी तक इथेनॉल बनाने वाली ज्यादातर इकाइयां और ज्यादातर 4-5 उन राज्यों में ही थी जहां चीनी का उत्पादन ज्यादा होता है। इसका विस्तार पूरे देश में करने के लिए, जो सड़ा हुआ अनाज होता है, निकम्मा हुआ अनाज होता है, उसका उपयोग करते हुए फूड ग्रेन बेच डिस्टिलरीज की भी स्थापना की जा रही है। एग्रीकल्चर वेस्ट से इथेनॉल बनाने के लिए भी देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। साथियों, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए जो वैश्विक प्रयास चल रहे हैं, उनमें भारत एक आशा की किरण बनकर के उभरा है, एक विश्वस्त मानव जात के कल्याण के लिए एक विश्वस्त साथी के रूप में आज भारत ने अपनी पहचान बनाई है। जो दुनिया कभी भारत को एक चुनौती के रूप में देखती थी, क्लाइमेट चेंज, भारत की इतनी बड़ी आबादी, लोगों को लगता है संकट यहीं से आएगा, आज स्थिति बदल गई। आज हमारा देश क्लाइमेट जस्टिस का अगुवा बनकर उभर रहा है। एक विकराल संकट के विरुद्ध बड़ी ताकत बन रहा है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, एक सूरज, एक सृष्टि और एक ग्रिड की व्यवस्था के विजन को साकार करने वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका निर्माण हो, या फिर कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, भारत एक बड़े वैश्विक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में, दुनिया के प्रमुख 10 देशों में आज उसने अपनी जगह बना ली है।
साथियों, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, भारत उसके प्रति जागरूक भी है और सक्रियता से काम भी कर रहा है। हम एक तरफ ग्लोबल साउथ में एनर्जी जस्टिस के प्रति संवेदनशीलता और ग्लोबल नॉर्थ के उत्तरदायित्वों के हिमायती हैं, तो दूसरी तरफ अपनी भूमिका का निर्वहन भी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन का एक ऐसा मार्ग चुना है जिसमें हमारी नीतियां और निर्णयों में हार्ड और सॉफ्ट कंपोनेंट्स को दोनों को बराबर महत्व है। अगर मैं हार्ड कंपोनेंट की बात करूं तो भारत द्वारा तय किए गए बड़े बड़े लक्ष्य हो, उन्हें लागू करने की अनप्रेसिडेंटेड स्पीड हो, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। 6-7 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कैपेसिटी में 250% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 5 देशों में है। इसमें भी सौर ऊर्जा की कैपेसिटी को बीते 6 साल में लगभग 15 गुना बढ़ाया है। आज भारत कच्छ में, गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड का हाइब्रिड एनर्जी पार्क बना रहा है। तो भारत ने 14 गीगावाट के पुराने कोल प्लांट्स को भी बंद भी कर दिया है। देश ने सॉफ्ट अप्रोच के साथ भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज देश का सामान्य मानवी प्रो एनवायरमेंट कैंपेन से जुड़ गया है, वो इसका नेतृत्व कर रहा है। हम देखते हैं कि कैसे सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में जागरूकता पैदा हुई है, और इसलिए भारत अपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के जरिए इन सभी दिशाओं में होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रहा है। वाटरवेज और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को लेकर जो काम आज हो रहा है, वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट के मिशन को तो सशक्त करेगा ही, देश की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को भी बेहतर बनाएगा। देश के सैकड़ों जिलों में सीएनजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो, फास्ट टैग जैसी आधुनिक व्यवस्था हो, इनसे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिल रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।